प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता इस वीडियो क्लिप विच। सो डाइट फिरोजपुर दे अधीन आउंदे ब्रिलियंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन बामणी वाला, मैं लैक्चरर अमनदीप। सो अज तुहानू पंजाबी विषय बारे चर्चा करांगा। सो पंजाबी विषय का फस्ट टॉपिक अज करांगे इकाई पंजवें का भाग दूसरा है। सो अज का क्वेश्चन है अपना पाठ योजना का अर्थ महत्व अते किस्मां बारे चर्चा करो कि पाठ योजना की हुंदी है, पाठ योजना बनाउण दा की मतलब है, कि पाठ योजना क्यों बनाई जाती है, अते इस तों बाद पाठ योजना दीआं किस्मां बारे चर्चा करो। सो इस बारे अज आपां सारा जिहड़ी विचार चर्चा करांगे। सो फस्ट करांगे कि पाठ योजना की हुंदी है, कि एजुकेशन दे खेत्र के नाल नाल बहुत सारे अजे खेत्र भी होंगे जिस विच जिहड़ी कि पाठ योजना बनाउणी बहुत ही जरूरी होंगी है, कि कोई भी योजना बनाउण तो बिना कोई काम नूं पूरे नपेरे नहीं चढ़िया जा सकता। सो एजुकेशन के फील्ड विच जिहड़ी पाठ योजना का बनाउणा बहुत ही अहम योगदान के मन्निया जा सकता, कि जिहड़ी पाठ योजना के द्वारा ही जिहड़ा एक अध्यापक अपने जिहड़े उद्देश की पूर्ति नूं लै के पूरा कर सकता है। सो सब तो पहला पाठ योजना बारे आप इसके मीनिंग बारे करेंगे कि पाठ योजना होंगी की है। किसी भी काम को करने लिए पाठ योजना का होना बहुत ही जरूरी है, कि कोई भी काम करेंगे एजुकेशन फील्ड हो चाहे कोई होर फील्ड हो, तो उस विच जिहड़ा पाठ योजना उसका होना बहुत ही जरूरी है। योजना के द्वारा ही असं अपने टीचे को प्राप्त कर सकते हैं, कि पाठ योजना के द्वारा ही जिहड़े साडे टीचे बने होणगे असं उन्होंने पूरा कर सकते हाँ। सो इस तों बाद असल विच पाठ योजना एक अजिहा साधन है जिहड़ा कि सिक्ख्या प्रबंध तारत है, यह विद्यार्थी अध्यापक अते प्रीख्यक की हर पक्षों अगुवाई करता है, कि पाठ योजना एक अजिहा साधन मन्निया जा सकता है कि जिहड़ा अध्यापक का विद्यार्थी का अते प्रीख्यक का तिन्ना का जिहड़ा बहुत ही ज़्यादा अपना रोल अदा करता है। सो हुण करांगे पाठ योजना का अर्थ। किसी विषय की विशेष इकाई नाल संबंधित वो योजना है जिस दे अनुसार अध्यापक अपने अनुदेशात्मक उद्देशों को प्राप्त करने लई स्कूल के किसी भी विशेष पीरियड में अपना जो अध्यापन करता है, कि पाठ योजना का मीनिंग मनिया गया कि पाठ योजना एक अजिहा साधन है कि किसी भी जिहड़े अपने उद्देश बने जेकर उन्हां दी पूर्ति करने लई जिहड़े पाठ योजना नूं लैके चलिया जांदा है। सो पाठ योजना का इस तों बाद करांगे मतलब कि पाठ योजना क्यों बनाई जाती है। फर्स्ट है प्रभावशाली अध्यापन। एक गल आम सुनने में आती है कि किसी भी काम की शुरुआत करने लई जेकर काम की शुरुआत चंगी हो जिहड़ा काम बहुत वधिया तरीके नाल पूरा हो जाता है। अध्यापक लई पाठ की शुरुआत करने लई सब तो पहला मुढ़ली जानकारी प्रदान करनी चाहिए है, कि जिहड़ा अध्यापक है सब तो पहला उसनूं अपनी मुढ़ली जिहड़ी जानकारी देनी बहुत ही जरूरी है, तां ही जिहड़ा इक प्रभावशाली अध्यापन हो सकता है। क्योंकि प्रभावशाली अध्यापन विच इह देखिया जाएगा कि सारे साल का जो अध्यापक अपनी योजना बना के चलेगा कि वह अपना उन्होंने क्लास में किस तरह करवाना है, ता ही जो प्रभावशाली अध्यापन अपना क्लास में कर सकता है। सैकंड पॉइंट है अध्यापक का मार्गदर्शन। पाठ योजना जिहड़ा एक अध्यापक का मार्गदर्शन का जिहड़ा रोल भी अदा करती है, जिवें कि अध्यापक नूं अपने अध्यापन कार्य नूं सही ढंग ढंग नाल चलाउण लई किसी अगवाई की लोड़ महसूस होंदी है। यह जिम्मेवारी पाठक्रम के द्वारा ही बड़े वधिया ते चंगी जिम्मेवारी नाल नपाई जा सकती है, कि जिहड़ा अध्यापक है उसनूं पता लग जांदा कि मैं क्लास में किस तरह का जो काम करवाउणा है, एक अध्यापक लई जिहड़ी मार्गदर्शन का काम भी करती है। थर्ड पॉइंट है उद्देशों की पूर्ति लई। सो पाठ योजना एक अजिही योजना है कि जिहड़े साडे जो भी उद्देश हुंदे हन उन्हां दी पूर्ति करन लई बहुत ही अहम योगदान अदा करती है, चाहे वह विद्यार्थी हो चाहे वह अध्यापक हो, उन्हां सारिआं दे जिहड़े उद्देशन जो भी उन्हां दे उद्देश हुंदे हन उन्हां उद्देशां दी पूर्ति भी जिहड़ी पाठ योजना करदी है। अगर फोर्थ पॉइंट विद्यार्थियों की अगवाई। पाठ योजना अध्यापक के नाल नाल एक विद्यार्थियों की भी बहुत वधिया तरीके नाल जिहड़ी अगवाई करती है, कि विद्यार्थियों को यह पता लग जाता है कि साडा किन्ना काम हो चुका है, किन्ना काम साडा रह गया, वो अध्यापक के नाल मिलकर जो भी अपना काम करते हैं वो एक पाठ योजना के थ्रू ही सारा अपना काम अगे लैके चलते हैं। सो विद्यार्थियों की भी पाठ योजना बहुत वधिया तरीके की अगवाई करती है। फिफ्थ
कि पाठ योजना में विद्यार्थियों को जो विषय सामग्री उस बारे में सारा कुछ दसया जाता है कि पाठ योजना में विद्यार्थियों को अपने विषय के बारे जानकारी मिलती है और उन्होंने ये पता लग जाता है कि उन्होंने की पढ़ना है कि पहले दिन ही अध्यापक जी अपने पाठ योजना लेके चलता है कि तुम्हारे इन्ने इकाइयों का जो विषय है इन्ने पेन की जो टीपी है जो सारा भी योजना बनी होती है वो सारे के सारे विद्यार्थियों को दस दी जाती है कि जिस नाल विद्यार्थियों को सारे साल की विषय सामग्री बारे भी पता लग जाता है। अगे सिक्स पॉइंट क्रमबद्ध अध्यापन। क्रमबद्ध अध्यापन का भाव है कि अध्यापक द्वारा साल के शुरू में ही सारे साल में काम पूरा करने की योजना बना ली जाती है और इस तो बाद ही वो सारा साल अपने जो भी काम करने वधिया तरीके नाल क्लास में डिस्कस होंगे रहते कि पहले दिन दस दिता जाता क्लास में कि काम आपां करना है किहड़ा टाइम टाइम टू टाइम जो भी काम है सारा का सारा क्लास में डिस्कस कर दिता जाता है। सो एक क्रमबद्ध अध्यापन के तौर पर जो पाठ योजना चलाई जाती है। सेवन पॉइंट है समय की बचत कि जो भी जिहड़ा भी अध्यापक है जेकर वो अपना पूरी पाठ योजना बना के नहीं आता तो जी समय की बहुत ही ज़्यादा खराबी कही जा सकती है कि जिहड़ा समा बहुत ही ज़्यादा खराब होंदा है। जेकर पाठ योजना सही तरीके की बनी होएगी कि अध्यापक को पता होएगा कि अज मैं क्लास में जाके की करवाना है तो जी उन्होंने समय की बचत बहुत ज़्यादा बच जाती है तो जिहड़ा अपना सिलेबस है वो वध तो वध कवर भी करवाया जा सकता है। सो जेकर पाठ योजना वधिया तरीके की बनी होएगी तो जिहड़े समय की बचत है वो भी बिल्कुल वधिया तरीके की हो सकती है। अगे नेक्स्ट पॉइंट है जमात उपर कंट्रोल कि जिहड़ा अध्यापक अपनी पाठ योजना तैयार करके नहीं आएगा उन्होंने जिहड़ा जमात के उपर कंट्रोल भी सही तरीके का नहीं होंदा। जिहड़े अध्यापक अपनी पाठ योजना नूं वधिया तरीके नाल करके आउंदे ने तां उन्होंने जिहड़ा जमात के उपर कंट्रोल है बिल्कुल वधिया तरीके का बनिया होंदा है क्योंकि उन्होंने पता होंदा कि मैं की कुछ क्लास में कराउणा है किहड़े उन्होंने एम ने सब बच्चों नूं जिहड़ा आके सारा डिस्कस किया जाता है तो जिस करके जमात उपर भी कंट्रोल पूरा होंदा है। अगे नेक्स्ट पॉइंट है ज्यादा उदाहरणों की वरतों जेकर पाठ योजना तैयार की होगी तो जिहड़े वध तो वध उदाहरणां होणगियां वो भी बहुत वधिया तरीके दियां होणगियां क्योंकि इस द्वारा अध्यापक नूं पता लग जाता है कि जो भी अपना सब्जेक्ट करा रहा उस विच वध तो वध उदाहरणां दित्तियां जा सकदियां हन क्योंकि पाठ पढ़ाते समय अध्यापक दा उदाहरण बारे पहला ही विचार रख सकता है वो जिहड़ियां उदाहरण अपने पहले ही विचार के आता कि मैं किहड़ी सब्जेक्ट की किहड़ी उदाहरण देनी है। इस तो बाद विषय में महारत कि जिहड़ा पाठ योजना नाल जिहड़े विषय में भी इंट्रस्ट बिल्कुल वधिया तरीके का बनिया होंदा है क्योंकि समय से समय समय से जिहड़ा अध्यापक अपनी वध तो वध एक्टिविटी भी करवाउंदा है तो जिस कारण विषय में भी एक पूरी तरह की जिहड़ी महारत बनी रहती है क्योंकि वो जिहड़ा जेकर पाठ योजना बनी होगी तो जिहड़ा उस सब्जेक्ट नाल रिलेटेड टीचर होएगा उसका पूरी अपने सब्जेक्ट से जिहड़ी कमांड पूरी हो जाएगी। सो इस तो बाद कुछ पॉइंट होर ने रुचि भरपूर सिक्ख्या कि जेकर पाठ योजना नाल जिहड़ी एजुकेशन बिल्कुल वधिया तरीके की इंट्रस्ट भी बनाई जा सकती है जेकर पाठ योजना सही तरीके की नहीं बनी होएगी तो जिहड़ा बच्चों का क्लास में जो भी काम कराना उन्होंने एक तरीके का बोझ समझा जाता है। जेकर वधिया तरीके की पाठ योजना तैयार की जाएगी तो जिहड़ा उस विषय के प्रति जिहड़ी बच्चे बड़े इंट्रस्ट नाल उस चीज़ नूं पढ़नगे। सो ये पाठ योजना का मतलब कि पाठ योजना के जेकर तैयार करना तो उसका की मतलब होंदा है। सो इस तो बाद आप करांगे इस दियां किस्मां कि पाठ योजना दियां किस्मां बारे चर्चा करो। सो जिहड़ियां पाठ योजना इस दे दो तरह दी किस्मां होंदियां ने फर्स्ट है वार्षिक पाठ योजना वार्षिक नूं आपां सलाना पाठ योजना भी कह सकदे हां। फर्स्ट है वार्षिक पाठ योजना इस नूं जिहड़ा सलाना पाठ योजना का भी नाम दिता जांदा है। सैकंड पॉइंट है दैनिक पाठ योजना जिहड़ा वार्षिक तों बाद इस नूं दूसरी जिहड़ी इसकी किस्म है उस नूं दैनिक पाठ योजना किया जांदा है। सो इस दीआं जिहड़ियां पाठ योजना दे दो तरह दीआं किस्मां ने। सो फर्स्ट करांगे वार्षिक पाठ योजना जिवें कि नाम तो स्पष्ट होंदा कि पूरे साल की कार्य की पाठ योजना कि जिवें कि पहले अपन नाम तो ही पता लग गया कि वार्षिक में सारे साल की पाठ योजना कि पहले दिन ही क्लास में जां अध्यापक अपने कोल पूरे साल की पाठ योजना बना लैंदा है कि इन्ने पहले दो मंथ में मैं इन्ने सिलेबस कराउणा है अगले दो मंथ में इन्ना सिलेबस कराउणा है उस तो बाद बच्चों की टीपी जिदा कि ईटीटी
कोर्स में बच्चे की छे पांच या छे मंथ की जो टीपी लगती है उस तो बाद उन्होंने अपनी की प्लैनिंग करनी है, टीपी तो आने तो बाद मैं अपनी योजना किस तरह तैयार करनी है कि किन्ना सिलेबस मेरा रह गया। ये सारी की सारी चीज बारे जी वार्षिक पाठ योजना तैयार की जाती है। सो सैकंड है दैनिक पाठ योजना, वार्षिक तो बाद दैनिक पाठ योजना। दैनिक पाठ योजना का मतलब है कि हर रोज की योजना, वो पहली थी पूरे साल की बनानी, दूसरे विच दैनिक पाठ योजना के हर रोज की जिहड़ी योजना बनानी कि पहले लैक्चर विच की कराउणा टीचर ने, प्रिंसीपल वालों भी बनाई जा सकती है जां अध्यापक वालों भी अपनी जिहड़ी योजना बनाई जा सकती है कि अज असीं जिहड़ी एक्टिविटी कि एक्टिविटी नूं करवाउणा है। सो इह सी पाठ योजना दीआं दो तरह दीआं किस्मां, वार्षिक पाठ योजना दूसरी है दैनिक पाठ योजना। सो इह सी तुहाडा टॉपिक पाठ योजना दा अर्थ महत्व अते किस्मां बारे चर्चा करो। धन्यवाद।